डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 7 स्ट्रिंग के लेक्चर 3 में string.h लाइब्रेरी फाइल में मेंशन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन को समझेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरे के इन 7 वीडियो लेक्चर और लेसन 7 स्ट्रिंग के लेक्चर 1 स्ट्रिंग इन सी, लेक्चर 2 कैरेक्टर फंक्शंस के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेसन 3 स्ट्रिंग फंक्शंस। आज के वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। आज के वीडियो में हम string.h हेडर फाइल के बारे में समझेंगे, string.h हेडर फाइल में मेंशन फंक्शन के बारे में समझेंगे, एग्जांपल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में आप एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। string.h हेडर फाइल। string.h सी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल का एक हेडर फाइल है। string.h हेडर फाइल में बहुत सारे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन और एक मैक्रो डिफाइन है। ये सारे फंक्शन प्रोग्राम में स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने में बहुत ही यूजफुल है। अगर हम string.h हेडर फाइल के फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो हमें प्रोग्राम में string.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। string.h हेडर फाइल के ज्यादातर फंक्शन स्ट्रिंग के वेरिएबल एड्रेस को आर्ग्यूमेंट में लेते हैं। चलिए अब हम string.h हेडर फाइल में मेंशन इंपॉर्टेंट फंक्शन को एक एक करके समझते हैं। लिस्ट ऑफ string.h फंक्शंस। अगर हम string.h हेडर फाइल के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो हम फंक्शन देखने जा रहे हैं वो है strlen फंक्शन। strlen फंक्शन स्ट्रिंग के लेंथ को कैलकुलेट करता है, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है इसे काउंट करता है। strlen फंक्शन स्ट्रिंग को आर्गुमेंट में लेता है और स्ट्रिंग के लेंथ को लॉन्ग इन टाइप में रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया कैरेक्टर एरे, डेटा टाइप कैर, वेरिएबल का नाम हमने रखा s1 और इसमें हमने डबल कोट में कॉन्सेप्ट को लिखा है, मतलब हमने कॉन्सेप्ट को s1 वेरिएबल में असाइन किया जो कि एक स्ट्रिंग है। अगर हम s1 के लेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं l, l इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, डेटा टाइप इंट, वेरिएबल का नाम l और असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद हमने strlen फंक्शन को कॉल किया है और s1 को आर्गुमेंट में पास किया है। strlen फंक्शन स्ट्रिंग s1 के लेंथ को रिटर्न करेगा, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर, और हमने जो स्ट्रिंग स्टोर किया है वो एक कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट में टोटल 7 कैरेक्टर हैं, तो strlen फंक्शन 7 रिटर्न करेगा और वो l वेरिएबल में स्टोर होगा। और अगर हम printf में से शो करें, हमने लिखा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग s1, l 7 है और हमें जो आउटपुट में मिलेगा वो होगा लेंथ ऑफ s1 7। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग जो मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है उसका लास्ट कैरेक्टर नल होता है, तो नोट करने वाली बात यह है कि strlen फंक्शन नल कैरेक्टर को काउंट नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट जो हम फंक्शन देखने जा रहे हैं वो है strrev फंक्शन। strrev फंक्शन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है string.h हेडर फाइल का, जो स्ट्रिंग के रिवर्स को फाइंड करता है। strrev फंक्शन स्ट्रिंग को आर्ग्यूमेंट में लेता है और स्ट्रिंग के रिवर्स को रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया कैरेक्टर एरे, डेटा टाइप कैर, वेरिएबल का नाम s1 और इसमें जो हमने असाइन किया है वो है लॉजिक विद इन डबल कोट, ये एक स्ट्रिंग है logic। अगर हम strrev फंक्शन को कॉल करें और s1 को आर्ग्यूमेंट में पास करें तो ये जो रिटर्न करेगा वो स्ट्रिंग s1 का रिवर्स रिटर्न करेगा। तो अगर हम s1 को printf में शो करें तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो स्ट्रिंग का रिवर्स मिलेगा और आउटपुट में जो हमें मिलेगा वो होगा लॉजिक का रिवर्स। देखिए यहाँ पर सी जो लास्ट कैरेक्टर था वो पहले आ रहा है, फिर आई, फिर जी, फिर ओ और एल, ये लॉजिक वर्ड का रिवर्स है। नोट करने वाली बात यह है कि अगर हम एक स्ट्रिंग का रिवर्स फाइंड करें और वो स्ट्रिंग का रिवर्स सेम स्ट्रिंग हो तो ऐसे स्ट्रिंग को हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैडम, madam, अगर हम इसका रिवर्स करें तो भी madam ही होगा, जैसे लेबल level, अगर इसका हम रिवर्स करें तो level, तो हमें लेबल ही मिलेगा, तो ऐसे स्ट्रिंग को हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसा कि अभी हमने strlen और strrev फंक्शन को समझा, चलिए अब हम इसे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कोड ब्लॉक आईडी को ओपन कर रखा है और फाइल को भी सेव कर रखा है stringfun.c के नाम से। मैंने यहाँ पर stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया और जैसा कि हमें स्ट्रिंग फंक्शन को देखना है तो मैंने string.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया और मेन फंक्शन को डिफाइन किया और मेन फंक्शन के बॉडी को स्टार्ट किया।
नाउ हमें सबसे पहले स्ट्रिंग के लेंथ फाइंड करने के लिए strlen फंक्शन और स्ट्रिंग के रिवर्स फाइंड करने के लिए strreb फंक्शन को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हम एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, स्ट्रिंग वेरिएबल, और जिसका मैंने नाम रखा s, और साइज रखा मैंने, सपोज मैंने साइज रखा 20। नाउ सेमी कॉलोन, हमें लेंथ भी फाइंड करना है स्ट्रिंग का, तो हम लेंथ इंटीजर टाइप का होगा, तो इसलिए हम इंटीजर टाइप का एक इंट वेरिएबल l नाम का डिक्लेयर कर देते हैं। नाउ सेमी कॉलोन, यूजर से हमें एक स्ट्रिंग लेना है, तो हम यूजर के लिए एक मैसेज लिखते हैं प्रिंट एफ। ये मैसेज यूजर के लिए होगा और इस मैसेज को पढ़कर यूजर एक स्ट्रिंग को इंटर करेगा। नाउ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर द स्ट्रिंग, और इस मैसेज को पढ़कर यूजर एक स्ट्रिंग इंटर करेगा। नाउ सेमी कॉलोन। नाउ यहाँ पर हम गेट्स फंक्शन को यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप स्ट्रिंग वेरिएबल में यूजर से वैल्यू लेना चाहते हैं तो गेट्स फंक्शन यूज करना होता है। नाउ सेमी कॉलोन, हमने जो स्ट्रिंग वेरिएबल एस में यूजर से जो स्ट्रिंग लिया है उसका लेंथ अगर हमें फाइंड करना है, तो जैसा कि हमने समझा strlen ये एक फंक्शन है, एस को एज ए आर्गूमेंट पास करेंगे। नाउ सेमी कॉलोन, और जो लेंथ हमें मिलेगा स्ट्रिंग का एस का, और हम उसे एल वेरिएबल में असाइन करेंगे। मतलब strlen फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो स्ट्रिंग का लेंथ होगा और वो इंटीजर टाइप का होगा, और उसे हमने एल वेरिएबल में असाइन किया। नाउ अगर हम लेंथ को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करते हैं, और प्रिंट एफ फंक्शन में हम यूजर के लिए एक मैसेज लिख देते हैं स्लैश एन के बाद लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करेंगे। नाउ हम यहाँ पे कॉमा देकर एल वेरिएबल को लिख देते हैं सेमी कॉलन। नाउ अगर हम इसे बिल्ट और रन करके देखें, तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है इंटर द स्ट्रिंग। सपोज मैंने स्ट्रिंग में इंटर किया कॉन्सेप्ट, CONCEPT कॉन्सेप्ट स्पेस एंड लॉजिक हमारे चैनल का नाम। नाउ इंटर, देखिए यहाँ पे लेंथ कितना आया स्ट्रिंग का, 15 आया है। एक्चुअली इसमें 15 कैरेक्टर है और स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, तो स्पेस को भी इसने काउंट किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्पेस है, 9, 10 स्पेस, 11, 12, 13, 14, 15, और जो स्ट्रिंग का लेंथ आया वो 15 है। नाउ इस तरह से हमने क्या देखा कि हम कैसे स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पर कोलोन लिख देता हूँ। नाउ अगर हमें स्ट्रिंग को रिवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास एक फंक्शन है strrev। नाउ मैं यहाँ पर strrev फंक्शन को इम्प्लीमेंट करता हूँ, strrev, और आर्गुमेंट में s वेरिएबल को पास करता हूँ। नाउ सेमी कोलोन, ये फंक्शन स्ट्रिंग जो अभी s में जो भी स्ट्रिंग यूजर इंटर करेगा उसे वो रिवर्स में कन्वर्ट कर देगा। नाउ इसे हम प्रिंट एफ फंक्शन से शो कर देते हैं। नाउ मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट एफ और स्लैश एन न्यू लाइन के बाद मैं लिख देता हूँ रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। नाउ स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे है और इसके लिए हम परसेंट एस यूज करेंगे। नाउ कॉमा देकर स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम एस। नाउ सेमी कोलोन, चलिए एक बार फिर से बिल्ट और रन करते हैं। नाउ मैंने यहाँ पे बिल्ट और रन किया और देखिए मैसेज क्या है, एंटर द स्ट्रिंग। मैंने स्ट्रिंग में एंटर किया सपोज कॉन्सेप्ट। नाउ इंटर, देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है, 7, और रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट का रिवर्स TPECNOC। और इस तरह से हमने देखा है कैसे हम अगर स्ट्रिंग को रिवर्स फाइंड करना है तो हम str फंक्शन को यूज करेंगे। नाउ हम आगे अब कुछ और फंक्शन के बारे में समझते हैं और फिर इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। string.h हेडर फाइल में मेंशन नेक्स्ट जो हम फंक्शन देखने जा रहे हैं वो है strupr। strupr फंक्शन स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करता है, मतलब कैपिटल लेटर में। ये स्ट्रिंग या स्ट्रिंग वेरिएबल को आर्गुमेंट में लेता है और अपर केस स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया कैरेक्टर एरे, डेटा टाइप कैर, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम s1, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, और डबल कोटेशन में हमने लिखा स्मॉल लेटर में कॉन्सेप्ट CONCEPT। नाउ सेमी कोलोन, नाउ अगर हम strupr फंक्शन को कॉल करें और आर्ग्यूमेंट में s1 को पास करें, तो ये फंक्शन s1 को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेगा, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम इसे प्रिंट करें स्ट्रिंग इन कैपिटल लेटर्स, s1 को हमने प्रिंट किया, तो आउटपुट जो हमें मिलेगा वो कैपिटल लेटर में स्ट्रिंग मिलेगा। नाउ CONCEPT दिस इज इन कैपिटल फॉर्म। नोट करने वाली बात यह है कि अगर हम अपर केस स्ट्रिंग को, मतलब कैपिटल लेटर स्ट्रिंग को, अगर strupr फंक्शन में पास करें तो उसका आउटपुट कैपिटल लेटर यानी अपर केस स्ट्रिंग ही होगा। नेक्स्ट जो हम फंक्शन देखने जा रहे हैं वह strlwr। strlwr फंक्शन स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करता है, मतलब स्मॉल लेटर के फॉर्म में।
ये स्ट्रिंग या स्ट्रिंग वेरिएबल को आर्गुमेंट के फॉर्म में लेता है और अपर केस स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया कैरेक्टर एरे, डेटा टाइप कैर, वेरिएबल का नाम s1 और हमने इसमें असाइन किया है विद इन डबल कोट एक स्ट्रिंग logic कैपिटल लेटर में लॉजिक। अगर हम strlwr फंक्शन को कॉल करें और आर्गुमेंट में स्ट्रिंग वेरिएबल s1 को पास करें तो इसका जो रिटर्न होगा वो स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, और अगर हम s1 वेरिएबल को प्रिंट करें printf में, जैसा कि हमने printf में स्ट्रिंग इन स्मॉल लेटर %s नाउ हमने s1 को प्रिंट किया है, तो इसका जो आउटपुट होगा स्ट्रिंग इन स्मॉल लेटर और आउटपुट में स्मॉल लेटर में logic, ये स्ट्रिंग अब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया, तो आउटपुट में हमें स्मॉल लेटर में लॉजिक मिला। नोट करने वाली बात यह है कि अगर हम स्मॉल लेटर स्ट्रिंग को लोअर केस स्ट्रिंग को आर्गुमेंट में पास करें तो उसका आउटपुट लोअर केस स्मॉल लेटर स्ट्रिंग ही होगा। जैसा कि हमने अभी strupr और strlwr फंक्शन को समझा, चलिए अब हम इसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि हमें strlwr और strupr फंक्शन को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखना है, सबसे पहले मैंने अभी जो प्रोग्राम में इसे इम्प्लीमेंट किया था strlen और strreb, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यूजर से हमें स्ट्रिंग लेना है, हम s वेरिएबल में यूजर से स्ट्रिंग लेंगे और स्ट्रिंग वेरिएबल का हमें लेंथ तो फाइंड करना नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ। नाउ हमें strlwr फंक्शन को देखना है, तो मैं लिखता हूँ strlwr फंक्शन, आर्गुमेंट में s को पास करता हूँ। नाउ ये जो फंक्शन है स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है, मतलब स्मॉल लेटर में। नाउ अगर हम इसे प्रिंट करें printf, मैंने printf फंक्शन में लिखा \n के बाद स्ट्रिंग इन लोअर केस लेटर, ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, और हम %s यूज करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग के लिए हम %s स्पेसिफायर को यूज करते हैं। नाउ कॉमा देकर मैं यहाँ लिख देता हूँ वेरिएबल का नाम s, नाउ सेमी कॉलोन। अगर हम इसे बिल्ट रन करके देखें, नाउ ये देखें यहाँ पे क्या है, इंटर द स्ट्रिंग। नाउ मैंने यहाँ पे इंटर किया कैपिटल लेटर में concept कॉन्सेप्ट, नाउ मैंने यहाँ पे इंटर किया और देखिए मैसेज क्या, स्ट्रिंग इन लोअर केस लेटर कॉन्सेप्ट। अगर हम प्रोग्राम में strupr फंक्शन को इम्प्लीमेंट करें, मैंने lwr को हटा दिया और मैंने यहाँ पे लिखा upr, नाउ मैं यहाँ पर अपर लिख देता हूँ upr अपर, क्योंकि वो अपर केस में शो करेगा तो मैसेज आएगा स्ट्रिंग इन अपर केस लेटर। नाउ यहाँ पे मैं बिल्ट रन करता हूँ, नाउ देखिए क्या है, इंटर द स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग को इंटर किया concept, मैंने स्मॉल लेटर में इंटर किया है एंड लॉजिक, नाउ इंटर। देखिए यहाँ पे मैसेज क्या आया आउटपुट का, स्ट्रिंग इन अपर केस लेटर कॉन्सेप्ट कैपिटल लेटर में है एंड लॉजिक, ये सारे कैपिटल लेटर में है। नाउ strupr फंक्शन ने सारे कैरेक्टर को स्ट्रिंग का अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। नाउ इस तरह से हमने देखा strlwr फंक्शन स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है और strupr स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करता है। चलिए अब हम आगे कुछ और फंक्शन को समझते हैं जो string.h हेडर फाइल में इंप्लीमेंटेड है। string.h हेडर फाइल में मेंशन नेक्स्ट जो हम फंक्शन देखने जा रहे हैं वो है strcpy। strcpy फंक्शन सोर्स स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कॉपी करता है, ये दो स्ट्रिंग को आर्ग्यूमेंट में लेता है और फर्स्ट स्ट्रिंग के कैरेक्टर को सेकंड स्ट्रिंग में कॉपी करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर दो स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया कैरेक्टर एरे, डेटा टाइप कैर, पहला स्ट्रिंग जो वेरिएबल है वो s1 है और उसमें हमने कॉन्सेप्ट को स्टोर किया, ये एक स्ट्रिंग है concept, और ये जो दूसरा स्ट्रिंग है और इसमें हम s1 को कॉपी करेंगे यूजिंग strcpy फंक्शन। हमने strcpy फंक्शन को कॉल किया, फर्स्ट आर्गुमेंट में हमने s1 को पास किया जो कि सोर्स स्ट्रिंग है। नाउ सेकंड जो आर्गुमेंट है उसमें हमने s2 को पास किया जिसमें हमें s1 के सारे कैरेक्टर को कॉपी करना है, मतलब ये एक डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है। नाउ इस तरह से s1 के सारे कैरेक्टर s2 में कॉपी होंगे और अगर हम printf में s2 को शो करें तो उसका जो आउटपुट होगा स्ट्रिंग s2, उसमें भी हमें कॉन्सेप्ट मिलेगा, मतलब स्ट्रिंग 1 का सारा कैरेक्टर अब स्ट्रिंग 2 में कॉपी हो गया है और स्ट्रिंग 2 में भी अब कॉन्सेप्ट है। नोट करने वाली बात यह है कि strcpy फंक्शन नल कैरेक्टर को भी सोर्स स्ट्रिंग से डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कॉपी करता है। नेक्स्ट जो हम फंक्शन देखने जा रहे हैं वो है strncpy। strncpy कॉपी करता है अप टू n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम सोर्स स्ट्रिंग टू डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, ये दो स्ट्रिंग और एक इंट वैल्यू को आर्गुमेंट में लेता है, वो इंट वैल्यू नंबर ऑफ कैरेक्टर होता है जिसे हमें कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर दो स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है कैरेक्टर एरे, डेटा टाइप कैर, s1 एक स्ट्रिंग है जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को असाइन किया है और s2 में हम इसके तीन कैरेक्टर को कॉपी करेंगे जो कि है con,
यानी CON को हमें S2 में कॉपी करना है, और इसके लिए हम strncpy फंक्शन को कॉल करेंगे और आर्ग्यूमेंट में सोर्स स्ट्रिंग S1 को पास करेंगे, कॉमा S2 जिसमें हमें कॉपी करना है वो स्ट्रिंग को पास करेंगे, और नंबर ऑफ कैरेक्टर जितना हमें कॉपी करना है उसे पास करेंगे। नाउ S2 जो अब होगा उसमें 3 कैरेक्टर स्टोर होगा CON। अगर हम प्रिंटएफ से शो करें तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो होगा स्ट्रिंग S2 CON, मतलब यहाँ 3 कैरेक्टर S2 में कॉपी हुए। तो इस तरह हम strncpy फंक्शन को नंबर ऑफ कैरेक्टर को कॉपी करने के लिए स्ट्रिंग 1 से स्ट्रिंग 2 में यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम strcpy और strncpy फंक्शन को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि अब हमें string.h हेडर फाइल के स्ट्रिंग कॉपी करने वाले फंक्शन को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखना है, तो सबसे पहले हम यूज़र से स्ट्रिंग में वैल्यू लेंगे। मैं यहाँ पर एक S1 नाम का कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ और कॉमा देकर एक S2। नाउ क्योंकि हमें कॉपी करना है स्ट्रिंग को, दो यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं S1 और S2, और इसका भी साइज मैंने 20 रखा। नाउ अभी मैंने इसमें कुछ भी असाइन नहीं किया, मैं यहाँ नल कर देता हूँ ताकि यहाँ पर गार्बेज वैल्यू ना आ जाए। और यहाँ पर मैंने यूज़र से स्ट्रिंग लिया, इंटर द स्ट्रिंग। नाउ स्ट्रिंग को हमने S1 में लिया और उसे हमें S2 में कॉपी करना है। नाउ तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे strcpy, फंक्शन का नाम strcpy है, और जिस स्ट्रिंग वेरिएबल में हमें कॉपी करना है पहले हम उसे पास करेंगे। नाउ S2, S2 में हमें S1 को कॉपी करना है और S2 डेस्टिनेशन टाइप है, पहले हम डेस्टिनेशन टाइप को लिखेंगे। नाउ कॉमा S1, तो स्ट्रिंग S1 का जो भी कैरेक्टर होगा वो सारा स्ट्रिंग 2 में कॉपी हो जाएगा। नाउ सेमीकोलन, अगर हम यहाँ पे प्रिंट करके देखें, मैं यहाँ पर ये मैसेज को यहाँ से हटा देता हूँ और हमें स्ट्रिंग 2 के वैल्यू को देखना, मैं यहाँ S2 लिख देता हूँ और स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम S2 है तो मैं यहाँ पर S2 कर देता हूँ। नाउ अगर हम इसे बिल्ट और रन करके देखें, नाउ देखिए यहाँ पे क्या है, इंटर द स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग में इंटर किया कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक, नाउ इंटर। देखिए S2 में क्या है, सारा कैरेक्टर जो स्ट्रिंग 1 का था S1 का वो कॉपी होकर अब S2 में स्टोर हो गया है। नाउ अगर हम strncpy फंक्शन को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखें, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर S3 वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसका साइज मैंने रखा 20। नाउ इसमें मैंने अभी असाइन किया नल ताकि इसमें कुछ भी गार्बेज कैरेक्टर ना स्टोर हो। और अगर हम strncpy फंक्शन को इम्प्लीमेंट करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ strncpy, और हम S3 वेरिएबल में S1 को कॉपी करना चाहते हैं। नाउ S3, S1, और नंबर ऑफ कैरेक्टर जितना हमें कॉपी करना है, नाउ आर्ग्यूमेंट में हमने पास किया 7, हमने 7 लिखा है तो 7 कैरेक्टर स्ट्रिंग 3 में कॉपी होंगे। नाउ इसे मैं यहाँ पर प्रिंटएफ से शो करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा प्रिंटएफ और न्यू लाइन क्रिएट कर देता हूँ मैं, /n स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम है S3, और कोलोन देकर मैं %s यूज कर देता हूँ। नाउ कॉमा देकर मैं यहाँ लिख देता हूँ S3 सेमीकोलन। नाउ बिल्ट और रन, नाउ देखिए यहाँ पे क्या आया, इंटर द स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ स्ट्रिंग, मैंने लिखा कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक, नाउ इंटर। देखिए यहाँ पर हमने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 7 पास किया था, तो 7 कैरेक्टर कॉन्सेप्ट में 7 कैरेक्टर होते हैं, तो यहाँ पर 7 कैरेक्टर ही कॉपी हुए हैं। तो हमने देखा कि अगर हम strncpy फंक्शन को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करें तो नंबर ऑफ कैरेक्टर को आर्ग्यूमेंट में पास करना होगा, और जितने आर्ग्यूमेंट में हम कैरेक्टर को पास करेंगे उतने ही कैरेक्टर यहाँ पर कॉपी होंगे। स्ट्रिंग 3 में नंबर ऑफ कैरेक्टर 7 कॉपी हुए क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट में 7 पास किया था। तो इस तरह से हमने strcpy और strncpy फंक्शन को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखा। नाउ आगे कुछ और फंक्शन को चलिए हम देखते हैं। string.h हेडर फाइल में मेंशन जो हम नेक्स्ट फंक्शन देखने जा रहे हैं वो है strcat। strcat फंक्शन सेकंड स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड में कॉन्कैट करता है, मतलब पहले स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर के बाद सेकंड स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है, या फिर यू कहें हम अपेंड करता है। strcat फंक्शन दो स्ट्रिंग को आर्गुमेंट में लेता है और फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड में सेकंड स्ट्रिंग के कैरेक्टर को अपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दो स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, कैरेक्टर एरे डेटा टाइप कैर, पहले स्ट्रिंग का नाम हमने S1 रखा है और उसमें हमने असाइन किया हेलो, और सेकंड स्ट्रिंग में हमने असाइन किया है वर्ल्ड। पहले स्ट्रिंग में दूसरा स्ट्रिंग कॉन्कैट होगा, मतलब ओ के बाद ये वर्ल्ड कॉन्कैट हो जाएगा। इसके लिए हम strcat फंक्शन को कॉल करेंगे, हमने strcat फंक्शन को कॉल किया और आर्ग्यूमेंट में
फर्स्ट स्ट्रिंग s1 को पास किया और सेकंड स्ट्रिंग s2 को पास किया। ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा इसमें फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर के बाद कॉन्केट होगा। अगर हम प्रिंटफ पे शो करें स्ट्रिंग 1 को तो हमें जो आउटपुट मिलेगा स्ट्रिंग 1 हेलो वर्ल्ड। यहाँ जो पहला स्ट्रिंग था s1, s1 में हेलो तो अभी भी है और साथ ही साथ जो सेकंड स्ट्रिंग था s2 उसका डब्ल्यू ओ आर एल डी ये यहाँ पर कॉन्केट हुआ है। नाउ अब जो स्ट्रिंग बना वो होगा हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट जो हम फंक्शन देखने जा रहे हैं वो है एस टी आर एन सी ए टी। यहाँ पर n नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस टी आर एन कैट फंक्शन अप टू n कैरेक्टर्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कॉपी करता है। एस टी आर एन कैट फंक्शन दो स्ट्रिंग को आर्ग्यूमेंट में लेता है और एक इंटीजर जो कि नंबर ऑफ कैरेक्टर होता है जिसे हमें सोर्स स्ट्रिंग में कॉन्केट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दो स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया कैरेक्टर एरे। डेटा टाइप कैर पहले स्ट्रिंग s1 में हमने स्टोर किया है कॉन्सेप्ट वर्ड को और दूसरे स्ट्रिंग s2 में हमने जो स्टोर किया है वो है वर्ड लॉजिक। नाउ सेमीकोलन। नाउ अगर हम strncat फंक्शन को कॉल करें और आर्गुमेंट में स्ट्रिंग s1, स्ट्रिंग s2 और नंबर ऑफ कैरेक्टर 3 को अगर पास करें तो इसका जो आउटपुट हमें मिलेगा अगर हम उसे प्रिंटफ से शो करें तो s1 में जो स्ट्रिंग कॉन्केट होगा वो तीन ही कैरेक्टर कॉन्केट होगा और हमें जो आउटपुट भी मिलेगा स्ट्रिंग s1 और इसमें कॉन्सेप्ट ये तो पहले से स्टोर था s1 में और तीन कैरेक्टर जो s2 का है l o g log ये इसमें कॉन्केट होगा। नाउ हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कॉन्सेप्ट log। चलिए अब हम str cat फंक्शन और str ncat फंक्शन को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। नाउ जैसा कि हमें स्ट्रिंग कॉन्केडिनेशन फंक्शन str cat और str ncat फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हमें दो स्ट्रिंग का यूज करना है। नाउ मैं यहाँ पर स्ट्रिंग 3 को यहाँ से हटा देता हूँ और यूजर से हमें दो स्ट्रिंग लेना है तो हम यहाँ पर मैसेज में लिखते हैं इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग f i r s t फर्स्ट स्ट्रिंग और उसे हम s1 वेरिएबल में यूजर से लेंगे। नाउ यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट f। हमें सेकेंड स्ट्रिंग भी यूजर से लेना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्लैशन के बाद इंटर सेकेंड स्ट्रिंग। ये दो मैसेज है, पहला वाला मैसेज से यूजर फर्स्ट स्ट्रिंग को इंटर करेगा, सेकेंड जो है स्ट्रिंग 2 को इंटर करेगा। नाउ यहाँ पर हम और एक गेट्स फंक्शन को यूज कर देते हैं। नाउ मैंने यहाँ पर लिखा जी टी गेट्स और s2 वेरिएबल को यहाँ पर हम पास कर देते हैं आर्गुमेंट में। नाउ सेमी कोलोन। नाउ यहाँ पर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर हम एस टी आर कैट फंक्शन को यूज करेंगे और s1 जो हमने यहाँ आर्गुमेंट में पास किया उसमें कॉमा देकर s2 स्ट्रिंग को कॉन्केट करेंगे। नाउ सेमी कोलोन। मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ प्रिंटफ को और हमें s1 स्ट्रिंग को शो करना है। हमने s1 में s2 को कॉन्केट किया है। नाउ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ s1 और वेरिएबल को जो हमें शो करना है s1 को तो मैं यहाँ लिख देता हूँ s1। नाउ s1 स्ट्रिंग में s2 के कैरेक्टर कॉन्केट होंगे। नाउ इसलिए हमने s1 को शो किया यहाँ पे और अगर हम इसे बिल्ट रन करके देखें। नाउ मैंने यहाँ पर पहले स्ट्रिंग में इंटर किया हेलो, नाउ इंटर, और सेकेंड स्ट्रिंग में मैंने इंटर किया वर्ल्ड, नाउ इंटर। तो हमें जो आउटपुट मिला है स्ट्रिंग s1 हेलो वर्ल्ड। यहाँ देखिए क्या हुआ, दोनों ही स्ट्रिंग आपस में कॉन्केडिनेट हो गए हैं। एक्चुअली स्ट्रिंग 2 s1 में कॉन्केट हुआ है और स्ट्रिंग 1 में अब हेलो वर्ल्ड हो चुका है। अगर हम यहाँ पर एस टी आर एन कैट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके देखें तो मैंने लिखा यहाँ पर एस टी आर एन और यहाँ पर मैंने कॉमा देकर लिखा आर्गुमेंट में हमें कितने कैरेक्टर को कॉन्केट करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर 4। नाउ इस बार फिर से हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, मैंने इंटर किया हेलो, नाउ इंटर वर्ल्ड, नाउ इंटर। नाउ यहाँ पर s1 में w o r l ये चार कैरेक्टर ही कॉन्केट हुए हैं क्योंकि हमने आर्गुमेंट में 4 को पास किया था, इसलिए 4 कैरेक्टर ही कॉन्केट हुए। तो इस तरह से हमने देखा कि str cat फंक्शन और str ncat फंक्शन कैसे वर्क करता है। चलिए अब हम string.h के कुछ और फंक्शन को समझते हैं। string.h हेडर फाइल में मेंशन नेक्स्ट जो हम फंक्शन देखने जा रहे हैं वो strcmp। strcmp फंक्शन दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है अल्फाबेटिकली ASCII कोड कैरेक्टर से। strcmp फंक्शन दो स्ट्रिंग को आर्गुमेंट में लेता है और अगर स्ट्रिंग सेम हो तो 0 रिटर्न करता है, अगर स्ट्रिंग सेम ना हो तो दोनों स्ट्रिंग के फर्स्ट मिसमैच कैरेक्टर के ASCII कोड के डिफरेंट के अकॉर्डिंग
फंक्शन प्लस वन या माइनस वन रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने दो स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, कैरेक्टर एरे। डेटा टाइप कैर, स्ट्रिंग वेरिएबल एस वन में हमने एक नाम स्टोर किया है मोहित, MOHIT और विद इन डबल कोट। और एस टू वेरिएबल में हमने असाइन किया है MOHN मोहन, ये भी एक नाम है। नाउ हमने strcmp फंक्शन को कॉल किया और आर्गुमेंट में S1 और S2 को पास किया। strcmp फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो इंटीजर टाइप का वैल्यू होगा, उसे हमने n वेरिएबल में असाइन किया। नाउ S1 और S2 ये दोनों ही स्ट्रिंग आपस में कंपेयर होंगे। S1 वेरिएबल का पहला लेटर कैपिटल M है और S2 का भी पहला लेटर कैपिटल M है। दोनों के ASCII कोड का डिफरेंट 0 होगा। S1 का जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल O है और S2 का भी कैपिटल O है, तो इन दोनों के ASCII कोड का डिफरेंट भी 0 होगा। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर जो है S1 में वो कैपिटल H है और S2 में भी कैपिटल H है, तो इन दोनों के ASCII कोड का भी डिफरेंट 0 होगा। नाउ इस तरह से नेक्स्ट जो कैरेक्टर आ रहा है वो कैपिटल I S1 में और S2 में कैपिटल A। ये दोनों ही कैरेक्टर सेम नहीं है और इन दोनों के ASCII कोड का डिफरेंट कैपिटल I का ASCII कोड 73 होता है और कैपिटल A का ASCII कोड 65 होता है, और इन दोनों का डिफरेंस 8 होगा, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। तो इसका मतलब strcmp फंक्शन प्लस 1 रिटर्न करेगा। नाउ n में 1 असाइन होगा। अगर हम इसे प्रिंटफ से शो करें, हमने प्रिंटफ में लिखा वैल्यू ऑफ n परसेंट d, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू है, नाउ कॉमा n, तो इसका जो आउटपुट होगा वैल्यू ऑफ n 1 होगा। तो इस तरह हमने समझा, जैसे ही कोई अल्फाबेट मिसमैच होगा तो उसके ASCII कोड का डिफरेंट, अगर दोनों ही स्ट्रिंग सेम होते तो इन दोनों के ASCII कोड का डिफरेंट 0 होता और फंक्शन 0 रिटर्न करता। इसका मतलब दोनों ही स्ट्रिंग सेम है। नोट करने वाली बात यह है कि अपर केस अल्फाबेट और लोअर केस अल्फाबेट का डिफरेंट 32 होता है। तो इस तरह लोअर केस अल्फाबेट और अपर केस अल्फाबेट दोनों ही डिफरेंस होते हैं। तो चलिए अब हम strncmp फंक्शन को समझते हैं। strncmp फंक्शन दो स्ट्रिंग को अल्फाबेटिकली ASCII कोड से कंपेयर करता है, बट अप टू n कैरेक्टर्स। ये दो स्ट्रिंग को आर्गुमेंट में और एक इंट नंबर ऑफ कैरेक्टर को आर्गुमेंट में लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने दो स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, कैरेक्टर एरे। डेटा टाइप कैर, वेरिएबल का नाम S1 और इसमें हमने एक नेम स्टोर किया है मोहित, कैपिटल लेटर में MOHIT विद इन डबल कोट। और S2 में हमने असाइन किया है एक नेम मोहन विद इन डबल कोटेशन MOHAN मोहन। अगर हम strncmp फंक्शन को कॉल करें, आर्गुमेंट में S1, S2 और 3 पास करें, यहाँ पर 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर है। अगर हम समझे ये फंक्शन कैसे काम करता है, तो यहाँ पर S1 स्ट्रिंग का जो फर्स्ट अल्फाबेट है M और S2 का जो फर्स्ट अल्फाबेट है M, ये दोनों आपस में कंपेयर करेगा और दोनों ही अल्फाबेट सेम है, तो इसके जो ASCII कोड का डिफरेंट होगा वो 0 होगा। नाउ नेक्स्ट कंपेरिजन होगा कैपिटल O S1 का और कैपिटल O S2 का, इन दोनों के ASCII कोड का भी डिफरेंट 0 होगा। S1 के H का ASCII कोड और S2 के H का ASCII कोड, दोनों का डिफरेंट 0 होगा। तो फाइनली दोनों के ASCII कोड का डिफरेंट 0 होगा और फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो 0 होगा। नाउ I वेरिएबल में 0 असाइन होगा। अगर हम I के वैल्यू को प्रिंट करें तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा। अगर हम 3 अल्फाबेट तक कंपेयर करें तो दोनों स्ट्रिंग सेम है। पहले वाले स्ट्रिंग का जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर है MOH और दूसरे वाले स्ट्रिंग का भी 3 कैरेक्टर MOH है, तो दोनों ही स्ट्रिंग के फर्स्ट 3 कैरेक्टर सेम है। तो अगर strncmp फंक्शन 0 रिटर्न करेगा, तो इसका मतलब दोनों ही स्ट्रिंग अप टू n कैरेक्टर सेम है। तो चलिए अब हम strcmp फंक्शन और strncmp फंक्शन को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने अभी जो प्रोग्राम बनाया था दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट करने के लिए, वो सेम प्रोग्राम है। और इसमें हमने S1 वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, S2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया था। यूजर से हमने स्ट्रिंग फर्स्ट में यूजर से S1 में वैल्यू लिया था और स्ट्रिंग 2 के लिए S2 में वैल्यू लिया था। नाउ और अब हमें string.h हेडर फाइल में इंप्लीमेंटेड strcmp और strncmp फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है। तो ये दोनों ही फंक्शन स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं, दोनों ही इंटीजर टाइप के वैल्यू को रिटर्न करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। मैंने इंट टाइप का वेरिएबल n डिक्लेयर किया, नाउ सेमीकोलन। और यूजर से हमने फर्स्ट स्ट्रिंग S1 में पहला स्ट्रिंग लिया, सेकंड स्ट्रिंग को हम S2 वेरिएबल में लेंगे, जिसके लिए हमने गेट्स फंक्शन को यूज किया, और हमें दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। मैं इसे पहले क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पर हम लिखते हैं strcmp, ये फंक्शन दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। नाउ यहाँ पर हम S1, S2 को आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे और ये जो रिटर्न करेगा वो इंट टाइप का होगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं n, हमने n वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, और वो जो रिटर्न करेगा वो n वेरिएबल में असाइन होगा। और यहाँ पर हम
एन वेरिएबल को शो कर देते हैं। मैं यहाँ पर प्रिंट एफ में लिख देता हूँ, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ऑफ एन। नाउ ये वैल्यू इंटीजर टाइप का होगा तो हम यहाँ परसेंट डी को यूज करेंगे, और नाउ कॉमा देकर हम लिख देते हैं वेरिएबल का नाम एन। नाउ चलिए पहले हम इसे एक बार बिल्ट और रन करके देखते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पर एस टी आर सी एम पी क्या रिटर्न करता है इंटीजर टाइप का वैल्यू। नाउ मैं यहाँ पे बिल्ट और रन पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए आउटपुट स्क्रीन में आया इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग में इंटर किया ए डबल पी एल एप्पल, और सेकेंड स्ट्रिंग में ए डबल पी एल एप्पल, दोनों स्ट्रिंग सेम है। नाउ इंटर, यहाँ देखिए एन का वैल्यू क्या है, जीरो। एक्चुअली ये जो ए है इसका जो आस्की कोड है वो 97 है, और इसका भी आस्की कोड 97 है। जब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमें क्या मिला, जीरो। एक्चुअली S1 और S2 में सारे कैरेक्टर सेम है, ए पी पी एल ई एप्पल, और इसमें भी ए पी पी एल ई, तो ये सारे कैरेक्टर सेम है, तो हमें एन का वैल्यू क्या मिला, जीरो। नाउ अगर हम एक बार और फिर से इसे बिल्ट और रन करके देखें, और मैंने इस बार फर्स्ट स्ट्रिंग में एंटर किया, मैं यहाँ पे कैपिटल ए को यूज कर रहा हूँ ए डबल पी एल ई एप्पल, और यहाँ पर मैं स्मॉल ए को यूज कर रहा हूँ ए डबल पी एल ई एप्पल। एक्चुअली यहाँ पर कैपिटल ए का आस्की कोड 65 होता है, जो कि छोटा है स्मॉल ए के आस्की कोड 97 से, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा। तो यहाँ देखिए आउटपुट क्या मिला, -1। नाउ अगर हम यहाँ पर एक बार फिर से बिल्ट और रन करें, और मैं यहाँ पर स्मॉल ए में ए डबल पी एल ई एप्पल लिख रहा हूँ, और यहाँ पर कैपिटल ए है डबल पी एप्पल। नाउ इंटर, तो यहाँ देखिए क्या आया, 1, क्योंकि यहाँ पर 97 है, 97 स्मॉल ए का होता है जो कि बड़ा है कंपेयर टू कैपिटल ए जिसका 65 होता है, तो हमें आउटपुट में क्या मिला, एन 1 मिला। नाउ सपोज हम यहाँ पर फिर से बिल्ट रन करते हैं, नाउ यहाँ पर क्या है, इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ ए डबल पी एल ई एप्पल, और यहाँ पे कर रहा हूँ ए डबल पी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैपिटल एल और ई। नाउ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये ए इसके साथ कंपेयर कर रहा है, सेम है दोनों ही, ये पी सेम है स्मॉल लेटर में, ये भी पी सेम है, और यहाँ पर ये स्मॉल लेटर में एल है, और यहाँ पर कैपिटल लेटर में एल है, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिला +1। देखिए जैसे ही कैरेक्टर सेम नहीं हुआ तो यहाँ पे आस्की कोड में कंपेरिजन हुआ, और स्मॉल एल का आस्की कोड बड़ा होगा कैपिटल एल के आस्की कोड से, इसलिए हमें क्या मिला, 1। नाउ अगर हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा दें, इफ अगर एन इक्वल टू जीरो होता है, मतलब दोनों स्ट्रिंग सेम है, और हम यहाँ पर प्रिंट एफ में एक मैसेज लिख देते हैं, मैं यहाँ पे प्रिंट एफ में लिख देता हूँ स्लैश एन के बाद स्ट्रिंग आर सेम। तो अगर n इक्वल टू जीरो होगा इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग सेम है, और एल्स एल्स में मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ, और इसमें मैसेज होगा स्लैश एन के बाद स्ट्रिंग आर नॉट सेम सेमी कॉलम। अब अगर हम इसे बिल्ट और रन करके देखें, तो देखिए यहाँ पे फिर से आया है, मैंने एंटर किया कॉन्सेप्ट सी ओ एन सी ई पी टी कॉन्सेप्ट, और मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ फिर से कॉन्सेप्ट सी ओ एन सी ई पी टी। नाउ दोनों स्ट्रिंग सेम है, आउटपुट में क्या मिला, वैल्यू तो एन का जीरो आया है और स्ट्रिंग आर सेम। नाउ यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, फिर से बिल्ट और रन करके आपको दिखाता हूँ। नाउ मैंने यहाँ पे एंटर किया कॉन्सेप्ट सी ओ एन सी ई पी टी कॉन्सेप्ट, और मैंने यहाँ पे एंटर किया कंप्यूटर सी ओ एम पी यू टी आर कंप्यूटर। तो यहाँ देखिए सी कैपिटल सी है, यहाँ भी कैपिटल सी है, दोनों कंपेयर हुआ, दोनों ही सेम है। नाउ यहाँ पर ओ दोनों ही सेम है, बट यहाँ पर एन और एम दोनों में डिफरेंस है। नाउ इंटर, एम के आफ्टर एन आता है, तो हमें क्या मिला यहाँ पर, 1। नाउ इस तरह से हमने समझा कि कैसे हम प्रोग्राम में एस टी आर सी एम पी फंक्शन को यूज करेंगे। चलिए अब हम एस टी आर एन सी एम पी फंक्शन को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा एस टी आर एन सी एम पी, और अब ये फंक्शन एस टी आर एन सी एम पी फंक्शन है। नाउ मैं यहाँ पर कॉमा देकर आर्गुमेंट को पास कर रहा हूँ, मैंने आर्गुमेंट में पास किया 3। तो यहाँ जो S1 और S2 में कंपैरिजन होगा वो फर्स्ट के सिर्फ 3 कैरेक्टर कंपैरिजन होंगे, क्योंकि हमने जो आर्गुमेंट में पास किया है वो 3 पास किया है। तो चलिए इसे बिल्ट और रन करके देखते हैं। मैंने बिल्ट और रन पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे मैसेज में आया है इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, और मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग में इंटर किया MOHIT मोहित, और उसके बाद इंटर सेकेंड स्ट्रिंग मैंने इसमें इंटर किया MOHAN मोहन। नाउ यहाँ ध्यान दीजिएगा जो फर्स्ट के 3 कैरेक्टर है दोनों ही स्ट्रिंग में सेम है, यहाँ पर कैपिटल M और नेक्स्ट वाले में भी कैपिटल M, तो दोनों का आस्की कोड का डिफरेंट 0 होगा। नाउ दोनों ही कैरेक्टर सेम है। नाउ उसके बाद जो है वो कैपिटल O कैपिटल O, इन दोनों के आस्की कोड का भी डिफरेंट सेम होगा, मतलब दोनों ही अल्फाबेट सेम है। नाउ यहाँ पर कैपिटल H कैपिटल H,
इन दोनों के ASCII कोड का भी डिफरेंस 0 होगा। यहाँ पर तीन ही करेक्टर कंपेयर होंगे क्योंकि हमने आर्गुमेंट में 3 पास किया है, बाकी के जो अल्फ़ाबेट है वो कंपेयर नहीं होंगे। मतलब ये दोनों स्ट्रिंग अगर हम 3 करेक्टर तक ही देखें तो दोनों स्ट्रिंग सेम है। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और देखिए क्या आया, वैल्यू ऑफ एन 0। नाउ स्ट्रिंग आर सेम। तो इस तरह से हमने देखा कैसे हम strncmp फंक्शन को यूज करेंगे और आर्गुमेंट में हम जितने करेक्टर पास करेंगे उतने ही करेक्टर कंपेरिजन होंगे। चलिए एक बार और हम इसे बिल्ट रन करके देखते हैं। नाउ मैं यहाँ पर इस बार बिल्ट रन कर रहा हूँ और फिर से मैं एक स्ट्रिंग एंटर करता हूँ। मैंने एंटर किया कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर। नेक्स्ट सेकंड स्ट्रिंग में मैं एंटर करता हूँ CONCEPT कॉन्सेप्ट। नाउ यहाँ जो 3 करेक्टर कंपेरिजन होगा, देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्ट्रिंग का जो इंडेक्स 0 में है वो कैपिटल सी है और सेकंड स्ट्रिंग में भी कैपिटल सी है, तो दोनों के ASCII कोड का डिफरेंस 0 होगा। नाउ उसके बाद ओ आ रहा है और दोनों ही स्ट्रिंग में ओ है, तो इन दोनों का भी ASCII कोड का डिफरेंट 0 होगा। नाउ इसके बाद एम है और एन है, इन दोनों के ASCII कोड का डिफरेंट 0 नहीं होगा क्योंकि एम का ASCII कोड एन के ASCII कोड से छोटा होता है, तो यहाँ जो हमें एन का वैल्यू मिलेगा वो -1 मिलेगा। और यहाँ 3 करेक्टर कंपेरिजन हो रहा है और 3 करेक्टर में जो तीसरा करेक्टर है वो सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमें एन का वैल्यू क्या मिलेगा, -1, और स्ट्रिंग आर नॉट सेम। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम strcmp फंक्शन और strncmp फंक्शन को 2 स्ट्रिंग को कंपेरिजन करने में यूज कर सकते हैं। नाउ चलिए अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। नाउ आज की वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ string.h लाइब्रेरी इन सी लैंग्वेज। मतलब आपको बताना है इनमें से कौन string.h लाइब्रेरी का फंक्शन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन string.h लाइब्रेरी फाइल का फंक्शन नहीं है। आपके ऑप्शन है ए strapp, बी strcat, सी strlen और डी strupr। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज की वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा, अपने दोस्तों को सिखाएं समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सके। थैंक यू एंड टेक केयर।